हेलो, वेलकम टू माय चैनल नॉन रबर्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेबलिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में और शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग अ लेबल इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। लेबलिंग आर अटैच टू द प्रोडक्ट पैकेज। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग क्या होता है? हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या करा, हमने एक मेडिसिन खरीदी। उस मेडिसिन पर क्या लिखा होता है? इस मेडिसिन पर यह लिखा होता है कि मतलब मेडिसिन कब मैन्युफैक्चर हुई, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट कौन सी है। तो जो प्रोडक्ट के बारे में जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेबलिंग। तो उसी को हम लोग कहते हैं लेबलिंग। लेबल इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। लेबल एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। लेबलिंग आर अटैच टू द प्रोडक्ट। लेबल मतलब प्रोडक्ट पैकेज मतलब प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज, ये मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सच एज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट के बारे में प्रोडक्ट की, एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर और मतलब मैन्युफैक्चर के एड्रेस के बारे में। तो इसे कहते हैं हम लोग लेबलिंग। अब आगे है हमारे पास पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक कंटेनर में रखते हैं। तो कंटेनर में रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैकेज। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसे हम लोग पैकेज कहते हैं। तो पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग द पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट। पैकेज इज अ रैपर और कंटेनर इन विच अ प्रोडक्ट इज कैप्ट। तो मतलब पैकेजिंग क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में रखना या फिर रैपर में रखना ताकि वो हमारा क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचा रहे, तो उसे कहते हैं हम लोग पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेज प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट के लिए। अब आगे हमारे पास रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मीन्स प्रोसेसेस ऑफ सर्चिंग, अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड सेलेक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन फॉर अ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट होते जैसे हम लोग हमारी कोई कंपनी है, कंपनी क्या होता है कि अक्सर उसे क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत होती है काम करने के लिए। तो मतलब उन क्वालिफाइड पर्सन को मतलब सर्च करना, उन्हें खोजना, उन्हें मतलब अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करना या फिर उन्हें मोटिवेट करना कंपनी ज्वाइन करने के लिए और उनको सेलेक्ट करना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। तो उसी को हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफाइड पर्सन को जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं, उन्हें सर्च करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें काम की तरफ अट्रैक्ट करते हुए। अब आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होता है? दिस इज़ अ बोरोड कैपिटल दैट इज़ टू बी रिपेड विद इन वन ईयर। एग्जाम्पल बोरो फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी से उधार वगैरह ले लेते हैं, तो वो उधार वगैरह हम लोग ले लेते हैं तो मतलब वो हमें क्या करना, जो मतलब हम लोग किसी से मतलब कोई भी अगर हम पैसा वगैरह लेते हैं जो जिसे हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर हम किसी से पैसे ले और वो हमें एक साल के अंदर अंदर चुकाना हो तो उसी को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव, मतलब फ्रेंड और रिलेटिव से उधार लेना। तो ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में और लेबलिंग के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को नॉलेज वर्ड को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो जितने ज़्यादा सके लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बाय बाय। थैंक यू सो मच।